11 तारीख को आप लोग घटना हुआ जिम में हुआ आपके साथ रात में, फिर यहाँ मुझे 12 तारीख आप कंप्लेन लेकर गए, 12 तारीख आपको बंद कर दिया गया, 13 तारीख आपको शाम को छोड़ा गया। जय दोस्तों, सुपर हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं जिला बलिया के करौंदी गांव में। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक मुर्गी फार्म है और इस मुर्गी फार्म के पीछे की साइड में करौंदी है और ये जो आप यहाँ देख सकते हैं इधर ये हरिपुर सराय आरिपुर है और ये मुर्गी फार्म है। यहीं पर बीते रात को कुछ दबंगों के द्वारा, कुछ बदमाशों के द्वारा एक घटना को अंजाम दिया गया। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले देवरिया के रुद्रपुर थाने के अंतर्गत एक चौहान समाज की बेटी के साथ छेड़खानी होने के विरोध में उसके भाई को एवं हत्या हुई थी, उसको बेलचा से मार मार कर मौत के घाट उतार दिया गया था। उसी के क्रम में, उसी के जैसी ही एक और घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी जिसमें एक चौहान समाज की बेटी के साथ कुछ मन बिगड़े युवकों ने छेड़खानी करने की कोशिश की, जिसके विरोध में एक भाई ने विरोध किया और उसको मारा पीटा गया। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको सभी बातें समझ में आ जाएंगी और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए आपको पूरी दास्तान बताते हैं यहाँ कैसे क्या हुआ था। अभी हमारे साथ दादी जी मौजूद हैं जो 11 तारीख की रात को यहाँ मुर्गी फार्म पे मौजूद थे, जिनके साथ बदतमीजी और इनको धक्का धोखी हुआ था। तो बताइए दादी जी उस दिन क्या हुआ था। देखिए दस गो जन आके घिंच के हमारे नाती के जाके झटी लाके झोटा उखाते। अच्छा, दरवाजा बंद करके आप लोग सो रहे थे? हाँ, सो रहे थे। हमने कहा हाँ। तो क्या हुआ जब सो रहे थे आप, उसके बाद बताइए। सो रहे थे ना, तो क्या कर सकते, या उधर एक तरह का मुझे डंडा लेके केवाड़ी का मांस के हला फाट टूट गए। अच्छा, टूट गया दरवाजा? टूट गया दरवाजा। अंदर दिखाइए थोड़ा, अंदर चौके दिखाइए, दरवाजा दिखाइए थोड़ा सा, दरवाजा दिखाइए। ये दरवाजा है? हाँ, ये हमारे बच्चा का। कितने लोग थे रात में, कितने लोग थे? 20-25 लोग। हमें नाती के मारे रहना जान धो के। अच्छा, इनको हम देख ले घर पीछे उखा के। अरे भाई पीछे है पर, हे पर जे पर मरना से बच्चे है पर मर लगे जान बाबू। अच्छा, यहां चोट लगी है? हां, है जो लगी यहां पर। दवा कराए हैं? हां, दवा कराए हैं। फिर क्या हुआ था? तो का करना कि हमके ले जा, उठ पल के उठ के हम जाए का ना जाए ना सा कटा दिखा सा। अच्छा, कटा कटा भी लेके आए थे? हां हां, जल्दी। कितने लोग कटा लिए थे उसमें? दो ठौरा रहा सा, हमारा सब धोने में नाते के था। अब हम कुल के अच्छी घर के पर रही चुप रहे, पहले ना है जाई पहले ना जारी पर तक कहता ए भी निकल भी तू रोज रोज रो तो कल के हम चाहे घर जाए कोई घर जी तू तो मैं नाते के घर ले जाके बाहर होनी। अच्छा, है लाइक का मैं नाते के क्या करके उघार है उघार जाके मुआ कपड़ा निकाल के नहीं कपड़ा निकाल कर सोए थे तो उसी तरफ लेके चल गए। अच्छा अच्छा, मेरे को तो पहले कि हम लेके भाग गए जा, हम कहना ना चाहे हमारी कि तो मोहन जा जा मोहन जा कहना जा हमारी नाती के हद दे हम का करिए। अब एक घंटा की बाद लेके अइला सा, रात में, रात में एक घंटा की बाद लेके हे जैसे ना से लेके हम नाती इधर। हां हां, जल्दी तब एक घंटा बीत गई तो अइला सा फिर लौट के तोर तबर तोर तबर बटी गाड़ी। कौन सी गाड़ी दिखाइए थोड़ा? आइए गाड़ी बटी देखी हरी गाड़ी देख नहीं। हां तो गाड़ी दिखाइए, फुटल फुटल सगर है देखिए। अच्छा, सगर ये लोग जो बदमाश आए थे रात में। हाँ, हाँ, आपके मुर्गी फार्म बोल तोड़े हैं। हाँ, हाँ, तो हट जाइए थोड़ा सा। हाँ, ये तब अच्छा, आप लोग उन सभी लोगों को जानती हैं? हाँ, बाबू हमारे जानो का नाम। अच्छा, आप पहचानते हैं? हाँ, हाँ, किस गांव के थे वो लोग? अच्छा, क्या नाम था उन लोगों का? भुवाल सिंह और अरविंद सिंह और हरकेश। हाँ, और उनके साथ और लोग भी थे? और लोग भी थे। हाँ। कितने लोग थे? 20-25 लोग थे। 20-25 लोग थे। हाँ। अच्छा, सभी लोग मुंह बांध कर आए तो क्या क्या मतलब आप लोग मारे पीटे? हाँ, और सीने पर बंदूक बिताने थे। अच्छा, सीने पर बंदूक बिताने थे। और कितनी गाड़ी नुकसान किया है? तीन गाड़ियों को नुकसान किया। और कुछ नुकसान हुआ है? बोर्ड दिखाइए, बोर्ड बोर्ड पर देखिए। और क्या क्या नुकसान हुआ है आप लोग? 20,000 रुपया। और क्या नुकसान है बताइए, आप बताइए। मुड़ी के रहा है जरा लेकर लेके भाग गया था। क्या छोड़ के लेके निकल गया था? पैसा कौड़ी रहा था, मोबाइल। हां, मोबाइल। हां हां, पैसा भी था। 20,000 रुपया। और क्या? मुर्गी के बच्चा 50 वो मुर्गी का बच्चा। और हां, मुआ ध्यान सब भी मार दी, मुर्गी बच्चों को मार भी दिए। हां, 50 के कहां है? आई छोड़ छाड़ के मरी हुई मुर्गियां कहां है? टेक दिए। हां, बिक गई। अच्छा, छोड़ छाड़ के ले लिया कुल झुंड में के लिया था। अच्छा, आपका ये नाक? हां हां, देखिए है बा। हां हां, जल्दी चोर के लेके भाग गया सा। हां, और क्या हुआ था उसके बाद से? फिर अभी अभी आए घंटे के बाद ना सा, तब कुछ आप उसकी जानकारी किसको दिए आप?
सुबह हुआ होगा ना फिर कौन बुलाया था? हम बुलाए थे। उसके बाद आए, उसके बाद थाना पर हम लोग को पुलिस बुला रही थी। अच्छा, हम लोग गए और सच्चा मेरे चाचा का सभी लोग गए थे थाने पर। हाँ, सभी लोग। कौन कौन गया था, कहाँ है? चाचा थे। अभी हमारे साथ उस लड़के के भाई और उनके परिवार के लोग मौजूद हैं जिनके साथ ये घटना घटी थी। सबसे पहले तो सबसे पहले आप बताइए क्या हुआ था उस दिन? उस दिन ये हुआ था, वो लड़के, हम लोग मार्केट गए थे, वो लड़के आ रहा था मार्केट, वो भी गया था। हम लोग बाइक रुका रहे थे, नहीं रुक रहा था, जबरदस्ती हम उनका कॉलर पकड़ लिए। पूछे बाइक क्यों रुका रहे थे आप? बाइक क्यों रुका रहे थे कि हम उनको पूछने जाते थे कि तुम ये गलत काम मत करो। क्या गलत काम? छेड़खानी मत करो। किसके साथ? हमारे बहन के साथ। क्या हुआ था आपके बहन के साथ, कैसे छेड़खानी? छेड़खानी वो कर रहा था, जबरदस्ती कर रहा था वो। जबरदस्ती मतलब? मैंने पढ़ने जाती तो जबरदस्ती कर रहा था, बात करने की कोशिश कर रहा था। बात करने की कोशिश कर रहा था वो। और उसके बाद हम दो चार थप्पड़ मार दिए। उसके बाद भुवाल सिंह आए, हमको मारे, अपने स्कॉर्पियो में बैठा लिए थे। उसके बाद जबरदस्ती करके अपने घर ले जा रहे थे। घर ले जा रहे थे? हाँ, अपने घर ले जा रहे थे, किडनैप कर रहे थे हमको। मतलब आपको मारे पीटे भी वहाँ पे? हाँ, स्कॉर्पियो में बैठा के घर ले जा रहे थे। और आपको लेके जाने भी लगे? हाँ, ले जाने भी थे। और ये क्या लगा आपको? इससे ब्लड लगा है, वो भी ज्यादा चोट लगी थी। हाँ, ज्यादा चोट लगी थी। तो ब्लड कहाँ से आया? ब्लड मुंह से आया, नाक से आया। अच्छा, तो उसके बाद आप लोग क्या किए? उसके बाद हम चाचा को खबर दिए। मतलब आप दोनों पक्षों में मारपीट हुई? हाँ, उसके बाद मारपीट हुई। भुवाल सिंह आए स्कॉर्पियो से, हमको मारने लगे, मार के वो ले जा रहे थे जबरदस्ती। तो आप दोनों पक्षों मारपीट हुई? हाँ। उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद हमको फोन आया, हमारे भाई की फोन, विपिन चौहान बोले कि भैया ऐसी ऐसी बात हो गई है, वो लेकर विशाल को जा रहा है। तो हम क्या किए कि तुरंत हम दुकान से, अपने दुकान से तुरंत आए गाड़ी लेकर, और हम उसके स्कूल पे, यहाँ मुनेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालय उसके स्कूल है भरत सिंह का, वहाँ पे हम गाड़ी उसका रोक दिए। गाड़ी रोककर विशाल को निकालने लगे। अच्छा। वहाँ बतरेस होने लगा उसका, भरत सिंह का लड़का है छोटा, बंटी बोला जाता है, बंटी नाम है उसका शायद। वो धीरे धीरे वो क्या उधर से दौड़ के आने लगा। अब यहाँ लोग बतरेस कर रहे थे भुवाल सिंह से, भुवाल को कोई एक थप्पड़ नहीं मारा था। वहाँ पे बतरेस हो रहा था अभी कि क्यों करवा रहे हो, तुम्हें तुम्हारी गुंडागर्दी हो रही है, तुम लेकर क्यों आए हो। तो वो लड़का कौन था जो विशाल की बहन के साथ? उसका नौकर था कोई, है कहीं दूसरे जगह का, वो रखे थे उसको। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे हम रोक लिए, उसके बाद हम छुड़ा रहे थे, उतने में हाथापाई हो गया, वो भी आ गया। उसके बाद लोग मतलब ज्यादा हम लोग जुट गए थे, वो भी आ गए थे, झगड़ा के मूड में थे सभी लोग, और तुरंत झगड़ा करने लगे। झगड़ा में हम इसको बचा ही रहे थे, इन लोग को मना कर रहे थे कि मत करो कुछ भी। और उसके बाद वो बोला कि आप लोग जाइए, वो गलत होगा तो हम उसको काट के फेंक देंगे, आप लोग जाइए, घर जाइए। हम सबको पीछे, नौकर को बोला, भुवाल सिंह बोला। उसके बाद भुवाल सिंह बोला कि तुम लोग जाइए। उसका नाम क्या है? नीरज शर्मा। अच्छा, बोले। तो उसके बाद ये बोला भुवाल सिंह, तुम लोग जाइए, तुम लोग यहाँ से जाओ, हम उसको समझा लेंगे। उसके बाद हम लोग चले हैं, ऐसा केस उसके बारे में हम नहीं सोचे थे कि वो करेगा। हम लोग किसी को मारे भी नहीं थे, वो खुद मार के इसको ले जा रहे थे, हम इसको छोड़वाए। उसके बाद हम लोग चले हैं, उसके बाद वो केस किया। उसके बाद उस दिन मौके पे जब इनको लेके जा रहा था, उस समय आप लोग दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी ना? हाँ, हुई थी। अच्छा, उसके बाद? थोड़ा बहुत हुई थी, उसके बाद हम लोग चले आए घर पे। अच्छा। उसके बाद वो फर्स्ट रिपोर्ट, वो मतलब 112 नंबर पे कॉल किए और हमारे घर एसओ साहब को भेज दिए, दो पुलिस भेज दी। अच्छा, आप लोग ने 112 नंबर पे कॉल? नहीं, हम लोग नहीं किए। वो कहा कि आप लोग जाइए, आप लोग निश्चिंत रहिए, हम कुछ नहीं करेंगे, हम उसको समझा लेंगे। अच्छा। तो हम लोग निश्चिंत हो गए कि भाई कुछ नहीं करेगा, तो कह लिए हम मामले को बढ़ाए। उसके बाद हम, तो ये 11 तारीख घटना है, ये 11 तारीख शाम को घटना है, सॉरी 5 बजे के करीब में। अच्छा। और वो जाकर कंप्लेन कर दिया? वो कंप्लेन कर दिया। उसके बाद एसओ आए और दो थानेदार आए थे, सिपाही जी आए थे, और उसके बाद वो लोग आकर ढूंढ रहे थे हम लोग को। हम लोग चले गए थे, बाहर थे, हम लोग नहीं थे घर पे। उसके बाद उस रात में यहाँ की घटना आप देखते हैं। उसी रात में मतलब कि यहाँ उसी रात दिया गया था, उसी रात में। उसमें कौन था इसमें? हमारे एक भतीजा है, उसका नाम है अमन चौहान, और उनकी मतलब उनकी दादी थी, मतलब हमारी बड़ी माँ थी। हमारा भतीजा एक और है शक्ति चौहान, वो 15 साल के लड़के, 15 साल से नहीं, 12 साल 13 साल। उन लोगों के साथ क्या हुआ? उन लोग के साथ ये हुआ कि ये रात में 10-12-15 लोग मिल के आए थे, और उसके बाद दरवाजा आके रेटिंग मार के तोड़ दिए। उसके बाद अमन को नंगा कर दिए थे, जो भी किए थे नंगा कर दिए थे। उसके बाद उसको यहाँ से उधर लेकर गए थे, उसको दो लकड़ा इसमें, वहां से 100 मीटर दूर। हाँ। जी, वहां से उधर 100 किलोमीटर दूर गए। 100 मीटर? हाँ, 100 मीटर। मान यहाँ पे मारे थे, फिर इधर मारे थे, और उसके बाद बाइक को तोड़ दिए थे। 3 बाइक थी, तीनों बाइक का पूरा। और क्या कंडीशन में?
उसमें नुकसान बहुत कुछ हुआ है, मुर्गी फार्म की मुर्गी का वो हुआ, मुर्गियों को भी नुकसान हुआ, मुर्गियों का नुकसान 50-40 तो बच्चा कुचल दिया गया था। और उसके बाद वो गन लेकर हमारे बड़ी माँ पे गन तान थे, छोटा अमन चौहान पे गन तान के बोल रहे थे कि साले बोला उनको नहीं तो जान से मार देंगे तुमको, मारने की धमकी दे रहे थे। और उसके बाद आप लोग थाने पर गए? थाने पे हम लोग सुबह में 10-10:30-11 बजे करीब में चले गए थे। अच्छा, आप लोग तीनों लोग गए थे? तीनों लोग। फिर क्या हुआ वहाँ? उसके बाद हम लोग को बंद कर दिया गया वहाँ पे। आप क्या करने गए थे वहाँ पे थाने? वहाँ पे हम रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे कि सर हमारा ऐसी ऐसी बात है, रिपोर्ट अभी लिखवा ही रहे थे तभी हमको पुलिस आकर वहाँ से लेकर चली गए। अच्छा, वहाँ पे लेकर बंद कर दिए? बंद कर दिए लोग। फिर उसके बाद हम थाने में बंद थे, अब बाहर जो भी हुआ अब हम नहीं जानते उसके बारे में। फिर आप कब वहाँ से निकले? हम निकले उस शाम को, कल मतलब दूसरे दिन, दूसरे दिन शाम को 11 तारीख को आप लोग के साथ घटना हुआ, जिम में हुआ आपके साथ, रात में फिर यहाँ मुर्गी फार्म पे हुआ। 12 तारीख को आप लोग कंप्लेन लेकर गए, 12 तारीख को आपको बंद कर दिया गया, 13 तारीख को आपको शाम को छोड़ा गया, जमानत हुई, 151 जमानत हुई है। तो बस आप ही लोग के दो ऊपर FIR हुआ है? हाँ, बस हम ही लोग के ऊपर FIR हुआ, और उन लोग विपक्ष वाला कोई नहीं था वहाँ, उन लोग ऊपर FIR नहीं हुआ, और आप लोग FIR नहीं ली गई? नहीं ली गई। फिर आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? हम चाहते हैं कि सर उनके साथ FIR, उनका भी FIR लिया जाए, हम लोग का FIR लिया जाए उनके खिलाफ, और उनके साथ कार्रवाई की जाए। कितने आपके FIR हो गए होंगे इसमें, कितने लोगों के ऊपर FIR करना है? कम से कम तो मान लीजिए आपका जो पर्सनली जो मुर्गी फार्म का नुकसान हुआ वो उसका मुकदमा? हाँ, ये मुर्गी फार्म का FIR होगा और एक छेड़खानी का। छेड़खानी का जी। तो अभी तक कोई भी FIR दर्ज नहीं हुआ? कोई दर्ज नहीं हुआ है। लोगों के साथ थाने में कोई बर्बरता तो दुर्व्यवहार नहीं किया गया? सुबह में जब हम थाने में गए तो उस समय तो कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, मगर उसी रात 12 तारीख को दिन में वो FIR लेने के लिए गए थे, जब देने के लिए गए थे वहाँ थाने में हमको बंद कर लिया गया, तो उस भरत सिंह का भाई छोटा वाला अरविंद सिंह आया था थाने में। हाँ, थाना में आया था। अच्छा। और हम लोग को खुली धमकी दे रहा था। अच्छा। कि तुम लोग को हम छोड़ेंगे नहीं, और बाहर निकलो तब हम तुम लोग को बता रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो हम लोग बोले बस हम यही कहें कि ठीक है जाइए जो करना है कर ले। तो वहाँ थाने के लोग कुछ नहीं बोले? थाने के लोग कुछ नहीं, वो मतलब आया हम लोग के पास थाना, वहाँ कोई सिपाही नहीं था, वो दूर थे, वो हम लोग को धमकी दे रहा था। फिर उसके बाद जब ये हो गया तो फोन पे भी बोल रहे थे कि गोली मार देंगे तुमको, फोन करके भोवाल सिंह बोल रहे थे, भोवाल सिंह वो बोल रहे फोन किए थे हमारे भाई, रिकॉर्डिंग है आपका? हाँ, हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग है। हमारे छोटे भाई बोल रहे थे कि अगर सल्फास की गोली खा लेंगे नहीं तो तुम गोली मार देंगे, बताओ। तो खुद मतलब कह रहे थे कि मैं सल्फास गोली खा लेंगे तो तुम गोली मारेंगे? हाँ, यही बोल रहे थे कि हम ये बताओ तुम विपिन कि हम सल्फास की गोली खा लें या खुद मार दें तुमको गोली से, या तो हमके सारा सल्फास खा के मर जाएंगे चाहे आना तो के मुंह के चाहे दुई गुना करके चाहे बाबू। अच्छा, फिर हम लोग कुछ नहीं, हम लोग कहेंगे ठीक है जो करना है आप करिए, हम उसी पे हम फोन काट दें। तो अभी तक आप लोगों की जो FIR दर्ज नहीं की गई? दर्ज नहीं की गई अभी FIR हम लोग की। अभी आप लोग इस परिवार के लोगों के द्वारा जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाया गया है, जो भी इनके साथ दुर्व्यवहार व्यवहार किया गया है, वो आप सुन रहे थे। बने रहिए आप सुपर हिंदुस्तान न्यूज में मुकेश चौहान के साथ, कैमरामैन अनुज चौहान।